Welcome back, children, to your English class. Today we will talk about all the exercises which are given in the end of the chapter. Gopal, burn can count the star. Chapter number sixteen from a book, My English Garden. Now, children, as I had told you that we will talk about the exercises which are the end mein di So again, I would say the same thing. If you have gone through the videos of this chapter, then only you will be able to answer. Right? Otherwise, you cannot. So first thing that. ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व the exercises ऑन your ओन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए टीचर्स तो लेटर सुनर आपको भेज ही देंगे आंसर्स राइट सो फर्स्ट यू शुड राइट डाउन दी आंसर्स इन अ बुक इफ पॉसिबल एंड देन यू कैन क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ द अपकमिंग वीडियोज ऑफ द एक्सरसाइजेस सो नाउ विल सी द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बेज ऑन ट्रू एंड फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वि सी क्विकली

और नॉट सो आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था दैट पीपल वर टॉकिंग अबाउट राजा कृष्ण चंद्र दैट ही ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन दैट ही कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ही यूज टू इंजॉय ऑल्सो सो राजा कृष्ण चंद्र यस ही वॉज अ क्विक सॉल्वर जो प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी वो सॉल्व कर लेते थे नॉ नंबर टू वन डे द नवाब ऑफ बेंगोल कॉल्ड गोपालबंद येस क्या नवाब जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने गोपाल बंद को बुलवाया यस yes, ही कॉल्ड सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर टू विल बी आल्सो ट्रू द नंबर वन इज़ विल नंबर वन विल बी आल्सो ट्रू नंबर थ्री द नवाब वॉन्टेड टू नो हाउ मच द अर्थ मेजर्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड टॉप टू बॉटम अलॉन्ग विद द टोटल काउंट ऑफ स्टार्स इन द स्काई सो क्या जो नवाब थे वो जानना चाहते थे कि जो मेजर measure, जो मेजरमेंट है अर्थ का साइड सू साइड यानी किनारों से उसका मेजरमेंट क्या होगा एंड टॉप टू बॉटम उसका मेजरमेंट क्या होगा अंड वो क्या जानना चाहते थे कि स्टार्स कितने हैं स्काई में अफकोर्स अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा so सो दिस इज़ एन वेरी ईजी आंसर आप इसे आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है नंबर फोर राजा कृष्ण चंद्र हैड रेड हैड रेडी आंसर्स टू नवाब्स क्वेश्चन तो राजा कृष्ण चंद्रा के पास क्या रेडी आंसर्स थे उन्होंने कुछ नहीं करा था उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोर्स नॉट नहीं उनके पास रेडी आंसर्स नहीं थे ही डिड समथिंग टू गेट दी आंसर्स द वे ही डिड इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करा इसके पहले नवाब ने जिनसे भी पूछा था सो दे गेव उन्होंने कहा ये मेरे बस का नहीं है इवन नवाब हिमसेफ ट्राइड अ लॉट बाय रीडिंग बुक्स बाय गोइंग थ्रू मैप एंड अर्थ ग्लोब सब काफ़ी चीजों उन्होंने पढ़ी समझ समझने की कोशिश करी एंड स्टिल ही डिड नॉट गेट एनी आंसर बट राजा चंद्र ट्राई टू गेट दी आंसर्स बाय डूइंग सम एक्टिविटीज उन्होंने क्या क्या करा था राजा कृष्णचंद्रा ने गोपाल बुद्ध की हेल्प करी थी हेल्प ली थी उन क्वेश्चन को पता करने के लिए सो दिस सेंटेंस विल बी ड्रॉन्ग यानी फॉल्स द नवाब थ्रेटेंड टू एक्सक्यूट सॉरी एग्जीक्यूट गोपाल बंद इफ ई फेल्स टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन क्या जो नवाब थे उन्होंने धमकी दी थी गोपाल बंद को कि अगर वो आंसर उन्हें नहीं मिल देते हैं तो उनको मार दिया जाएगा यस इट वॉज राइट ही थ्रेटेंड ही आज ही टोल्ड गोपाल बंद सॉरी सॉरी चिल्ड्रन ये जो स्टेटमेंट है गोपाल बंद से नहीं कहा गया था ये कहा गया था राजा कृष्ण चंद्रा से ठीक है तो राजा कृष्ण चंद्रा से कहा गया था कि अगर ये नहीं देंगे आंसर्स क्वेश्चन का आंसर तो उनको मार दिया जाएगा सो so, गोपाल बंद से नवाब ने नहीं कहा था वो बात कही गई थी राजा कृष्ण चंद्र से सो दिस नंबर फाइव विल बी फॉल्स नंबर सिक्स गोपाल बंद केम टू द रेस्क्यू ऑफ राजा कृष्णचंद्र सो क्या गोपाल बंद ने राजा कृष्ण को बचाया येस yes, उन्होंने ही उनकी वजह से ही उनके प्रयासों से ही राजा कृष्णचंद्र की जान बची थी क्योंकि गोपाल चंद्र बहुत ही क्लेवर थे राइट right?

अब यहाँ पर है ना ही मैं खा सकता हूँ ना ही मैं सो सकता हूँ राइट सो इफ़ यू रिमेम्बर ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था ये राजा कृष्ण चंद्रा ने बोला सॉरी ये नवाब ने बोला था कि ना मैं ढंग से खा सकता हूँ ना मैं ढंग से पी सकता हूँ सो चिल्ड्रन दिस इज़ योर काइंड ऑफ क्लास होमवर्क जिसको आपको खुद से करना है तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था जो नवाब थे वो खुद से कोशिश कर रहे थे आंसर्स को पता करने के जिसकी वजह से उनका खाना पीना और जो नींद थी वो सब स्पॉयल हो गई थी तो अब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था तो नाउ यू हाउ विल यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट कैसे उसको पूरा करेंगे वी विल सी Now, if you see page number, wait a minute. Yes. Uh, ऑन पेज नंबर वन थर्टी सिक्स आप थर्टी सिक्स पेज नंबर पे देखोगे तो उसमें नवाब का स्टेटमेंट है थर्ड नंबर की नरेशन है जिसमें राजा बोलते हैं अनलेस आई नो दी आंसर्स टू माई क्वेश्चन आई के नीधर आई केन नीदर ईट और स्लीप राइट वॉट एम आई टू डू अब वो ये बात कहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बुक में ही ये जो लाइन है बुक में ही मिल जाएगी तो आप चाहो तो अपने आप से इसे पूरा कर सकते हो और यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द टेक्सट बुक ऑफ योर इंग्लिश जो आपकी बुक है इस चैप्टर में जो लाइन दी हुई गई है नवाब के बारे में थर्ड लाइन है चैप्टर के शुरुआत में थर्ड पैराग्राफ आप मान लो या थर्ड नरेशन मान लो नवाब की उसमें ये लाइन दी हुई है सो यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम देर नंबर टू फाइंड मी दी आंसर नफ फाइंड मी दी आंसर ये किससे बोलते हैं ये बोलते हैं राजा कृष्ण चंद्रा से रा, राजा कृष्ण चंद्रा से बोलते हैं और ये जो लाइन है अगेन नवाब ही बोलते हैं वन थर्टी सेवन पेज नंबर पे आप ऊपर से नीचे की तरह ऊपर से दूसरे नंबर की जो नरेशन है सीन टू के ठीक ऊपर दी हुई है वहाँ पे लिखा है फाइंड मी दी आंसर्स अब क्या आगे लिखा है अगर आपको यही कॉपी करना है लाइन तो आप मुझे सुन सकते हो और यू कैन टेक योर नोटबुक योर बुक, बुक एंड आंसर अपने आप से लिख लेना सो so, क्या लिखा है एंड आई विल रिवॉर्ड यू वेल वो कहते हैं कि मुझे आंसर दो एंड आई विल रिवॉर्ड यू वेल

ना यू नीड टू गो थ्रू कि इसका आंसर क्या हो सकता है हैव यू हर्ड दैट गोपाल ठीक है तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पे जो उस टाउन में लोग रहते हैं वो गोपाल बंद के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गोपाल बंद को जब से वो टास्क मिला है जो नवाब ने राजा कृष्णचंद्रा को दिया है वो तब से थोड़ा सा एब नॉर्मल बिहेव करने लगा है ठीक है तो यहाँ पर आपको ये पेज नंबर वन थर्टी एट और मे बी ऑन पेज नंबर वन थर्टी नाइन पर मिलेगा एंड फॉर दैट वॉट यू नीड टू डू येस यू नीड टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली आपको चैप्टर में मिल जाएगा और आप चाहो तो वीडियो जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर है इसीलिए मैं हिंट दिए दे रही हूँ मैं थोड़ा सा स्टोरी भी बताया दे रही हूँ कि लोग बैठे थे आपस में बात कर रहे थे और वो गोपाल बंद के बारे में बात कर रहे थे कि क्या तुमने उसके बारे में सुना है राइट right? ना नंबर फोर ही आस्ड द शेफर्ड हाउ मैनी राइट अगेन पीपल आर टॉक पीपल वर टॉकिंग अबाउट गोपाल वन दैट वॉट ऑल हैज़ ही बीन ट्राइंग टू गेट the आंसर्स वो क्या क्या उन क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए कर रहा है तो लोग इसमें बात करते हैं कि उसने बच्चों से पूछा सॉरी उसने एक शेफड यानी वो गढ़िया से पूछा कि कितने बाल होते हैं शिप के शरीर पे, राइट सो यहाँ पर आप आराम से इसका जो आंसर है पेज नंबर वन थर्टी एट पर देख सकते हो सीन थर्ड में आपको ये आंसर मिल जाएगा फिर है नंबर फाइव पीपल विश्ड टू नो पीपल विश्ड टू नो अगेन लोगों को जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर आंसर्स जो नवाब के क्वेश्चंस के हैं वो क्या हैं और गोपाल बंद ने कैसे उन आंसर्स को पाया सो so, क्योंकि गोपालबंद पर लोगों का ये ट्रस्ट था कि गोपालबंद हर चीज हर चीज़ का आंसर बहुत आसानी से ढूंढ लेता है और फाइनली वो ढूंढ ही लेते हैं तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो क्वेश्चंस जो नवाब ने उनको दिए थे फाइनली उनके आंसर्स मिल गए हैं सो so, सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे नवाब के कोर्ट में उन आंसर्स को सुनने के लिए सो so, यहाँ पर इफ यू सी सो यू दिस लाइन इज़ अगेन रिटेन ऑन पेज नंबर वन थर्टी एट नाव अगेन आपकी जिम्मेदारी है यू कैन फाइंड इट आउट सो सबसे लास्ट पैराग्राफ we'll है यू कैन गो थ्रू दैट लास्ट पैराग्राफ यू विल गेट टू नो वॉट इज़ द नेक्स्ट लाइन नंबर सिक्स यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी आई हैव नाउ ये जो लाइन है दिस इज़ नरेटेड बाय नवाब नवाब बोलता है से टू गोपाल बंसी बोलते हैं ये क्या बोलते हैं दिस लाइन कैन बी फाउंड ऑन द पेज नंबर वन फोर्टी आपको ये वन फोर्टी पेज नंबर पे मिल जाएगी राइट सो यस पेज नंबर वन फोर जीरो पे आपको ये लाइन मिल जाएगी ना चल रहा है आई होप दैट यू हैव फाउंड ऑल दी आंसर्स सबको आंसर्स मिल गए हैं अब हमें क्या करना है अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे चिल्ड्रेन अगर आपको लगता है यू डोंट हैव बुक तो आप वीडियो वॉच करते हुए इन लाइन्स को आराम से ढूंढ सकते हैं राइट सो पेज नंबर वन फोर जीरो पर यह आंसर दिया हुआ है आई मीन ये दिस लाइन इज़ गिवन नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन चूजिंग द करेक्ट आंसर हमें क्या करना है हमें दो ऑप्शन मिले हुए हैं चिल्ड्रन और हमें उसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है सो चिल्ड्रन इन अपकमिंग टेस्ट यू मे हैव सच क्वेश्चन उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन को एम सी क्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं राइट सो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसमें उसको क्वेश्चन के हिसाब से हमें उन आंसर्स को चूज़ करना होगा सो नंबर वन में क्या है विच वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग ऑफ प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट का सेम मीनिंग क्या हो सकता है राइट सो प्रोमिनेंट इज समथिंग विच इज़ आप फिक्स्ड कह सकते हो और बहुत ही नो यूनिक होता है अब हेज़िटेंट का मतलब अगर आपको आता है सो डेफिनेटली यू कैन बी श्योर दैट हेजिटेंट कैन नॉट बी द राइट आंसर सो राइट आंसर क्या होगा विजिबल समथिंग विच इज़ वेरी मच क्लियर कैन बी कॉल्ड प्रोमिनेंट राइट फिर है अ सनेम ऑफ रिपीट इज रिपीट का सनेनिम क्या हो सकता है चिल्ड्रन अगेन अगर आपको रिकर का इस मीनिंग uh, नहीं पता है लेकिन रेस्ट का मतलब पता है रेस्ट का मतलब क्या होता है आराम जो रेस्टलेस का मतलब क्या होता है जहाँ पर कोई आराम ना हो या, या फिर बेचैनी हो तो so, जाहिर सी बात रिपीट का मतलब बेचैनी तो नहीं हो सकता है तो हम क्या समझ रहेंगे कि यहाँ पर रेकर कैन बी द करेक्ट आंसर और कैन क्यू इज़ दज़ द करेक्ट आंसर नाउ नंबर थर्ड इज़ विच वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज एबेंडेंट एबेंडेंट का सेम मीनिंग क्या हो सकता है तो एबेंडेंट का मतलब होता है Uh, किसी चीज़ को खत्म कर देना राइट right? किसी चीज़ को मुक्त कर देना तो आप डिजर्टेड के लिए जा सकते हो डिजर्टेड कैन बी द करेक्ट आंसर ऑफ abandoned एंड देन चिल्ड्रन आप नंबर थ्री को मैं चाहूंगी कि एक बार इसको आप डिक्शनरी uh, से ढूँढो यू कैन बी श्योर अबाउट अबेंडेंट का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है ठीक है इसको देखेगा लिखेगा द अप्रोप्रिएट या द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ एबेंडेंट इज या फिर आप लिखेगा सिनेमा ऑफ़ एबेंडेड आपको मिल जाएगा रिमूवड होगा या फिर डिजर्टेड होगा हालांकि यहाँ पर डिजर्टेड uh, का मतलब होता है किसी चीज़ को अकेला कर देना चिल्ड्रन आई होप दैट रिमूव कैन बी द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन आई थिंक आई एम श्योर नंबर फोर अ सनेम फॉर द वर्ल्ड एम्प्टी एम्प्टी का मतलब क्या होता है खाली कर देना राइट सो एम्प्टी का मतलब खाली होता है गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है तो डिप्लीट कैन बी द करेक्ट आंसर तो एम्प्टी का सिनेम क्या होगा डिप्लीट नंबर फाइव विच वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग ऑफ इन्फ्लेट चिल्ड्रेन इनफ्लेट का मतलब होता है हवा भरना राइट तो इनफ्लेट जब हम किसी चीज़ में हवा भरते हैं तो वो चीज़ क्या होती है हवा भरने से वो चीज़ फैल जाती है ले बलून बलून में वन वी पुट एयर इन टू द बलून देन वॉट हैपन्स इटम इट बिकम्स बिग फैल जाता है इट एक्सपेंड्स सो इनफ्लेट का मतलब क्या हो जाएगा एक्सपेंड्स सॉरी एक्सपेंड यानी फैल जाना एंड कम्प्लीट का मतलब वी नो देट पूरा करना होता है नाव नंबर सिक्स इज़ विच वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग एज कंटीजियस कंटेजियस यानी वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है ठीक है तो हम हमारी कंटेजियस uh, नो जब हमारी आँखों में रेडनेस होती है तो हम किसी की कोई हमारी आँख देख लेता है तो उसको भी वो प्रॉब्लम हो जाती है राइट right? अब जैसे ये कोरोना वायरस इज़ गोइंग ऑनसो दिस इज़ ऑल्सो कंटेजियस डिजीज़ ये एक दूसरे से फैलती है तो ये कैसे इन्फेक्शियस है इन्फेक्शन हो जाता है एक से दूसरे को राइट नाउ नेक्स्ट इज अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स टू फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स चिल्ड्रन आई विल डिस्कस दीज टू एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो लेट मी क्विकली टेल यू बाय बिकॉज दीज थीज टू एक्सरसाइज नीड लर्ड ऑफ टाइम टू बी अंडर स्टूडेंट को काफ़ी टाइम टाइम लगेगा समझने में आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन वाइट सो विल हैव दिस टू एक्सरसाइज इज द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन अभी कोई भी डाउट हो इन जो मैंने अभी एक्सरसाइजेस समझाए हैं फील फ्री टू आस्क मी दिस इज अगेन माई रिपीटेड डायलाग बट यू नीड टू रिस्पॉन्ड इट राइट ओके चिल्ड्रन टेक केयर बाय सी यू सोन